क्या हाल चाल? तो यार इंद्रदेव को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इतनी बारिश बरसा रहा है फिलीपीन में कि क्या बताऊं यार। बारिश मतलब लगातार हो रही है, लगातार। बहुत मुश्किल से मतलब मौका मिलता है कि 5 मिनट के लिए बारिश रुके, नहीं तो बारिश रुक ही नहीं रही है पिछले कई दिनों से। तो अभी के लिए जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ ना, बारिश अभी भी रुकी नहीं है। मैं ऐसे कैमरा थोड़ा अपना मुंडी को झुका के ना थोड़ा सा वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन हाँ बारिश बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्की सी है। अभी मैं अभी के लिए कैथरीन को लेने के लिए आया था उसके काम से, तो मैंने सोचा कि साथ में मार्केट व्यू दिखाते हैं और ब्लॉग की शुरुआत करते हैं यहीं से। सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम पप्पी गरेवाल, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो बाकी कैथरीन तो शायद पहुंच गई होगी यहाँ पे, चलो देखते हैं। तो इस साइड से यार रास्ता बंद कर रखा है, मुझे लगता है घूम के आना पड़ेगा दूसरी साइड से। तो कैथरीन को यहीं से देख लेता हूँ, ये पास में ही है। हाय, ये रही कैथरीन, मैंने पहचाना ही नहीं इसे। हाय टू एवरीवन, हाय टू एवरीवन, हेलो, गुड इवनिंग। चलो तो बाकी यार घर जाके बात करते हैं, बारिश अभी थोड़ी थोड़ी तेज हो रही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम फिलीपीन। तो सुबह की चाय, और यार आज है ना मैं तकरीबन 7:30 बजे उठ गया था, और आज सुबह से बारिश बिल्कुल नहीं हुई है, और बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है बारिश नहीं हुई है। तो ये देख लो सारा आज सूखा हुआ है मतलब, तो हल्की सी धूप भी निकली है, हल्की सी है, तो अच्छी धूप निकल जाए तो अच्छी बात है। बाकी देखते हैं कैसा दिन जाता है। और काफ़ी एरिया मैंने देखे, काफ़ी मैंने न्यूज़ देखी, बहुत बुरे हाल थे लोगों के, काफ़ी जगह पे पानी मतलब चढ़ गया लोगों के घरों के अंदर, मतलब पानी चला गया, बहुत बुरे हाल थे। और लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है, कुछ लोग हैं ना जो थोड़े अच्छे लोग होते हैं, तो काफ़ी होते हैं ना, तो वो खाना पहुँचा रहे हैं, क्योंकि खाने की किल्लत आ रही है, पानी पीने वाले की किल्लत आ रही है बहुत सारी साइड्स में। तो बहुत बुरी बुरी न्यूज़ मैंने देखी, तो आई होप कि सारा कुछ ठीक रहे अब। और लो धूप हल्की सी निकली थी, अभी अभी ख़त्म, ये देख लो, बस बारिश ना हो बाकी तो ठीक है। चलो तो चाय पीते हैं, बाकी आज के भी काम काफ़ी हैं। मिलिए अपने कॉफी से। हाँ तो आज मौसम बड़ा अच्छा है यार, मतलब आज मुझे ना मकाती जाना था, लड़की से मुझे एक चीज़ रिसीव करने के लिए जाना है, लेकिन उसका अभी तक रिप्लाई नहीं आया। अगर रिप्लाई आ जाता तो मैं निकल जाऊंगा यार, क्योंकि मौसम अच्छा है, आज बारिश नहीं हो रही है, ठीक है, सुबह से लेके दोपहर हो चुकी है, तो बारिश का कोई सीन नहीं है। एक तो यार कुक्कड़ बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। तो चलो ठीक है, अभी के लिए मैं मार्केट में जा रहा हूँ, कुछ चीज़ें अपने को लेके आनी है, तो उस दौरान अगर उस लड़की का मैसेज मुझे आ जाता है तो हम मकाती भी जाएंगे आज। तो आज यार कई दिनों के बाद जो है बारिश बंद हुई है, तो बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है यार, क्योंकि ना कई दिनों से मौका ही नहीं मिल रहा था इस तरह से ब्लॉग बनाने का। तो काफ़ी लोग मुझे मैसेज भी कर रहे थे कि भाई यार ब्लॉग क्यों नहीं हर रोज़ डाल रहे हो पहले की तरह। तो यार बारिश का पंगा चल रहा था पिछले 6 दिन से, ठीक है, तो इसीलिए जो ब्लॉग है ना वो लगातार बन नहीं पा रहे थे, क्योंकि बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता था। ऐसा नहीं है कि बाहर जाते नहीं थे, लेकिन ब्लॉग बनाना मुश्किल हो जाता ना, क्योंकि कैमरे में पानी जाने का खतरा होता है, तो इसलिए कोई ब्लॉग नहीं डाला। और बाकी इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे ज़रूर आ जाना, क्योंकि वहाँ पे छोटे मोटे अपडेट मैं डालता रहता हूँ, तो फिर पता चलता रहता है एक दूसरे को कि क्या दिक्कत चल रही है, तो उसमें मैं स्टोरी वगैरह डालता रहता हूँ। तो आज मैं सच्ची थोड़ा सा मार्केट में आके, मतलब मार्केट में तो ऑलमोस्ट मैं रोज़ ही आता हूँ, लेकिन बारिश नहीं है ना तो अच्छी फीलिंग आ रही है। तो पहले मुझे मेडिकल में जाना है, ये रहा मेडिकल, शेरू को यहीं पे लगा देते हैं। बाकी यार अगर वीडियो को शुरू से देख के यहाँ तक पहुँच गए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो यार मैं बस एक लड़की का रिप्लाई का इंतज़ार कर रहा हूँ,
कुछ चीज़ अपने को लेने जानी है मकाती में, तो बस अगर उसका मैसेज आ गया ना तो बस अभी कुछ टाइम में हम निकलेंगे मकाती के लिए। सिर्फ मैं रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ, बाकी चलो देखते हैं क्योंकि मौसम ठीक है, निकलने के लिए अच्छा है घर से, तो देखते हैं बाकी क्या होता है, तभी देख लो। वेट कर रहा है यहीं पे। चल कभी मानता ही नहीं है कोई बात को। हाँ तो जाना था यार मुझे उस लड़की के पास था, लेकिन उसे कल के कल वो बोलती है कि मुझे कल हांगकांग जाना है, लेकिन आज वो पंपंगा गई हुई है जैसे रिश्तेदारों के यहाँ पे। बोलती है कि मतलब वापस आऊँगी तो मैसेज करेगी, पता नहीं, बोलती है मैं श्योर नहीं हूँ कि कुछ चीज़ लेनी थी मुझे उससे, तो चलो देखते हैं अगर कल मैसेज कर देगी तो देखेंगे। लेकिन उसने बताया कि अभी वो मकाती में अवेलेबल नहीं है, तो वो पंपंगा में है, तो उसकी जो जो चीज़ उससे लेनी है वो उसके घर में पड़ी है। बाकी लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है भाई, बंद होने का नाम नहीं ले रही है, और इतने बुरे हालात हैं ना बहुत सारी सिटीज़ के। उसमें से एक बेलिंगसुएला करके एक एरिया है, उसकी थोड़ी सी आपको पहले वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, पहले देखो बाद में बात करते हैं। तो देखा आप लोगों ने क्या हालात हैं, और इस तरह के हालात बहुत सारी साइड में हैं। मैं सारी वीडियोस इस वीडियो में नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि फिर मेरे ऊपर कॉपीराइट आ जाएगा, मेरी वीडियो हटा दी जाएगी, ठीक है। तो बहुत कुछ मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन बहुत बुरे हालात हैं भाई, बहुत ज़्यादा, काफ़ी जगहों पर पानी खड़ा हुआ। तो आप हिसाब लगा लो कि वीडियो में आपने देखा कितना पानी ऊपर का लेवल है, जिनका घर मतलब ग्राउंड फ्लोर पर है तो उन लोगों को कितनी मुश्किल आती होगी, जिनकी दुकानें हैं ना कितनी प्रॉब्लम है। तो ये बहुत है, बहुत जगहों पे है ये सारा कुछ चल रहा है। बाकी यार इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करने के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि जाना तो मकाती था, नहीं जा हुआ, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, अगले वाले ब्लॉग में चलेंगे। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कर मिलेंगे नई वीडियो में, बाय।